नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी की। ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिसमें 1085 पद आए हैं टोटली। तो ये 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आप राजस्थान से संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको जीके से संबंधित बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। जीके हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की। तो इसमें टोटली 3 प्रकार के पद निकल कर आ रहे हैं। पहला पद है यहाँ पे शासन सचिव वाले का, जिसके अंदर की टोटली 70 पोस्ट है। दूसरा पद है यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग शीघ्र लिपि का, जिसके अंदर 5 पोस्ट हैं। और तीसरा पोस्ट है इसमें राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय और शीघ्र लिपि जिस। इसके बाद बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन SSOID लगाकर कर सकते हैं। इसके अंदर जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर सामान्य वर्ग के लिए जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए 450 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, और जो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 350 रुपये, और जो अनुसूचित जाति व जनजाति उनके आवेदकों के लिए 250 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और जिनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये से कम है तो उनको भी 250 रुपये में ही आवेदन कर सकते हैं वो भी। तो यहाँ पे इसके जो रिक्त पद हैं उसकी सूची दी गई है। आगे यहाँ पे बात करें हम ATSP एरिया के लिए, तो यहाँ पे वेतनमान जो लेवल 10 पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होनी चाहिए आपके, और साथ में आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें इसमें से अगर आपके पास RSCIT भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीयता की। तो अगर आपके भारत के नागरिक हैं, नेपाल के, भूटान के, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा देखें तो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं जो आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जो आवेदन शुल्क है वो जमा करा सकते हैं 12/7/2018 से 10/8/2018 के मध्य, और ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकते हैं 12/7/2018 से 10/8/2018 के मध्य रात्रि 12 बजे तक। और परीक्षा का माह और दिनांक यहाँ पे दिया हुआ है, सितंबर अक्टूबर 2018 में परीक्षा हो सकती है, संभावना है इसकी। तो यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की उसके 7 दिन बाद आप इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो इसमें संशोधन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो परीक्षा स्कीम है वो दी गई है, इसके अंदर 2 फेज होंगे। प्रथम फेज के अंदर आपके 2 एग्जाम होंगे, जिसमें पहला एग्जाम आपका राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है और दैनिक विज्ञान है उसका टेस्ट होगा, जो 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का ये टेस्ट होगा आपका। दूसरा इसके अंदर प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, 3 घंटे की अवधि मिलेगी और अंक होंगे 100 यहाँ पे इसके। और इसके बाद फेज सेकंड के अंदर आपका जो प्रश्न पत्र है वो अंग्रेजी आसुलिपि, इनमें से 2 प्रश्न पत्रों में से किसी एक का चयन आपको करना है, यानी अंग्रेजी वाला भी कर सकते हैं आप और हिंदी वाला भी इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट है वो भी दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।